लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है। शक्तिमान बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अंकल मेरा बॉल। विंटू विंटू देख, लगता है किसी ड्रामे कंपनी से आया हुआ है, भाड़े की ड्रेस पहन के। क्या हो गया मेरे बच्चों को, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कौन हो तुम, क्या कर दिया इन बच्चों को, बोलो। उनका कसूर था उनका हंसना, हर हंसने वाले की हंसी छीन लेगा कष्टक। और या गुलामी, गुलामी जाओ अपनी जान दे दो। जोकर, देखकर नहीं चल सकता क्या, सड़क तेरे बाप की है। साहिल, ए, कौन है? मैं कहता हूँ रुक जा, रुक जा, मैं कहता हूँ। कौन है तू, बोल। रुक जा। रुक जाओ।
अरे वो देखो बिल्डिंग गिर रही है। ओह नो। अरे ये बिल्डिंग गिर रही थी। अचानक सीधी हो गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ गंगाधर जी, इस घटना को देखकर आपने कोई टिप्पणी नहीं की? मिल नहीं रहे हैं। मिल नहीं रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे? शब्द नहीं मिल रहे हैं, टिप्पणी करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। इस घटना से हम देवी जी इतने भ्रमित, इतने आश्चर्यचकित और इतने विस्मित हो गए हैं कि हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं टिप्पणी के हेतु। लेकिन इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? कमाल करती है देवी जी, इतना बड़ा विशालकाय भवन गिरते गिरते अचानक फिर से खड़ा हो गया और आप कहती हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। मेरे लिए आश्चर्य की बात तब होती जब मुझे ये पता नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ है। ओ, आपको पता है कैसे हुआ देवी जी? वैसे ही जैसे हेमल की गिरती हुई किताबें वापस आ गई थी, जैसे ये सूखा हुआ फूल फिर से खिल उठा। क्या फूल दोबारा खिल गया? क्या कहती हैं आप, कैसे खिल गया दोबारा? बताइए देवी जी, बताइए ना, इसमें क्या रहस्य है? अब रहस्य कहाँ, इस फूल को देखकर तुमने एक बात साबित कर दी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम लाख छुपाओ, मुंह से मत कहो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में छुपे हुए प्यार को देख लिया है शक्तिमान। उसे होंठों पर आने दो, उसे होंठों पर आने दो। देवी जी लगता है आप पर फिर भूत सवार हो गया। कौन सा शक्तिमान, कैसा प्यार? हमारा और तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार शक्तिमान। ठीक है, तो मैं भी इस फूल को तब मंजूर करूंगी जब तुम अपने मुंह से इस बात को कबूल करोगे और साथ ही अपने पहचान के रहस्य को भी मिटा दोगे, क्योंकि प्यार में रहस्य के लिए कोई जगह नहीं होती। देख लेना, बहुत जल्द ही मैं इस रहस्य को मिटा करूंगी। शक्तिमान ही गीता का प्यार नहीं, गीता भी शक्तिमान का प्यार है, गीता भी शक्तिमान का प्यार है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हर वक्त मुझे खतरों से बचाने क्यों आते? गंगाधर बनकर हमेशा मेरे साथ क्यों रहते? तेरे फोन के कट जाने पर तुम घबराकर बांगड़ू घाटी कभी नहीं आते। तुम्हें वहां मेरा प्यार खींच लाया था शक्तिमान, मेरा प्यार खींच लाया था शक्तिमान, मेरा प्यार खींच लाया था शक्तिमान, मेरा प्यार खींच लाया था शक्तिमान। तो मैं भी इस फूल को तब मंजूर करूंगी जब तुम अपने मुंह से इस बात को कबूल करो और साथ ही अपने पहचान के रहस्य को भी मिटा दो। किस गहरी सोच में डूबे हो मित्र, आखिर दुविधा क्या है? अरे ये प्रेम है प्रेम, इस प्रेम को मुखरित हो जाने दो, मुखरित। किस प्रेम की बात कर रहे हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? प्रेम यानी प्यार, लव। तुम्हें गीता से सचमुच प्यार हो गया है दोस्त? नहीं, ये झूठ है। ये सच है मित्र, सच है। यदि ये सच नहीं होता तो इस समय तुम्हारे मस्तिष्क में गीता का विचार कदापि नहीं आता। मान जाओ दोस्त, मान जाओ। तुम गीता की ऑफिस में ही क्यों पड़े रहते हो? तुम चाहते तो कहीं और भी काम कर सकते थे। इसका कारण सिर्फ गीता है दोस्त, सिर्फ नहीं नहीं। हाँ ये सच है कि मैं गीता की वजह से ऑफिस में हूं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। वो मुझे अच्छी लगती है, पर इसलिए कि वो सच्ची है। ये मेरा आकर्षण भी तो हो सकता है। आकर्षण ही प्यार का जन्मदाता होता है दोस्त। नहीं हां मित्र,
ये सच है मित्र, ये सच है। हम दोनों तो तुम्हारे दो रूप हैं दोस्त। नहीं, हम तो तुम्हें सच्चाई बताने आए हैं। नहीं, हम तुमसे अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं, हमारी बात तुम मान जाओ। नहीं, हाँ मान जाओ। जाओ तुम लोग, जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, गीता के पास चले जाओ, जाओ, जाना, चले जाओ दोस्त, चले जाओ, जाओ, जाना ही पड़ेगा तुम्हें, जाओ, मान जाओ, अरे मित्र जाओ, जाओ। वत्स, मैं कहां की तैयारी है? वो गुरुदेव, मैं अपने प्रेम को स्वीकार करने जा रहा था। वत्स, प्रेम लज्जा का विषय नहीं जो आंख चुराकर कहा जाए, और तुम भूल रहे हो कि तुमने उसी दिन प्रेम को स्वीकार कर लिया था जिस दिन तुमने प्राण लिया असत्य के विरुद्ध युद्ध का। वत्स, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रेम है, फिर और प्रेम कैसा? परंतु गुरुदेव, वत्स ध्यान रहे, शक्तिमान के रूप में तुम्हें ना केवल शक्तियां मिली हैं बल्कि उनके साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें तुम कभी लांग नहीं सकते। वत्स, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत प्रेम वर्जित है। लोग भले ही तुम्हें व्यक्तिगत रूप में चाहें परंतु तुम्हारे लिए सब समान है, कोई भी विशिष्ट नहीं। जी जी गुरुदेव।